परवाणु की सब्जी मंडी का निर्माण कई दशकों पहले हुआ था, जिसके चलते इस मंडी की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। इसलिए अब प्रदेश सरकार इसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से मंडी का स्वरूप बदलने जा रही है। आने वाले समय में यहां आने वाले व्यापारियों और किसानों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस मंडी को हिमाचल की आदर्श सब्जी मंडी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। ये मंडी सोलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हरियाणा और पंजाब दोनों के समीप है और यही कारण है कि यहाँ व्यापार की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी संभावना के चलते अब परवाणु की सब्जी मंडी को विशाल रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए कवायद की जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए सोलन एपीएमसी के सचिव आर के शर्मा ने बताया कि परवाणु की सब्जी मंडी में अभी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंडी में पिछले वर्ष 2 अरब का व्यवसाय किया था। यहाँ व्यवसाय और बढ़े इसके लिए सब्जी मंडी को विकसित किया जाएगा। मंडी के जीर्णोद्धार के लिए विश्व बैंक ने 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस मंडी को जल्द ही नए सिरे से बनाया जाएगा, जिसमें किसानों के ठहरने के लिए कमरे और कई दुकानें बनाई जाएंगी। आधुनिक शौचालयों का निर्माण होगा, कैंटीन की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि अभी को आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हिमाचल इस मंडी की जल्द आधारशिला रखेंगे। प्रदेश सरकार इस मंडी को हिमाचल की सबसे बड़ी और आधुनिक मंडी बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। हाँ, आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ और अपने किसान भाइयों के कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से 25 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट चलने वाला है, जिसमें एक बड़ी ही अच्छी परमाणु की एप्पल मंडी बनने वाली है, जो कि हो सकता है हिमाचल की नंबर 1 मंडी साबित होगी आने वाले समय में। काफ़ी बिजनेस है वहाँ, पिछले बार भी 2 अरब का व्यापार वहाँ हुआ है। तो उसमें अभी कार्य टेंडर हो चुके हैं और अभी वहाँ के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से जेई भी अपॉइंट हुए हैं, वो आ चुके हैं, तो कार्य युद्ध स्तर पर वहाँ पे शुरू होने वाला है। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी? एक तो वहाँ पे जैसे गेट पे, एंट्री गेट पे बे इन मोशन होंगे, प्रॉपर डिजिटल सिस्टम होगा, बेइंग के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट होंगे और वहाँ फार्मर के लिए रहने के लिए रेजिडेंस बनेंगे, स्टाफ के लिए रेजिडेंस होंगे, नई शॉप्स होंगी और सारे में टाइलिंग होगी, टॉयलेट्स होंगे, सारा नया स्ट्रक्चर बनेगा, कैंटीन होगी, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी उसमें। प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से नया डिज़ाइन बन रहा है उसका भी, तो वो डिसमेंटल हो जाएंगी पुरानी दुकानें, वहाँ भी नई बिल्डिंग्स बनेंगी, ऑफिस रेजिडेंस बनेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए, विशेषकर मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट सोलन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, जिससे हमारे किसानों को बेहद रेट्स भी मिलेंगे और बल्कि कल को आने वाले समय में अपने उत्पाद को बेचने में हमें काफ़ी आसानी रहेगी। फाउंडेशन के लिए भी अभी आधिकारिक स्तर पे मैं नहीं कह सकता उस बात को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब के सुझाने से हो सकता है उसके जल्दी ही फाउंडेशन स्टोन रखा जाए।